चलिए आज हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या? ये बेसिकली सबको पता है कि अगर आइस क्यूब को पानी में डालेंगे तो क्या होता है, आइस क्यूब तैरता है। डाल के देखो भाई, तैरता है क्या? क्या मैम देखो भाई, आ रहा क्या? क्या मैम प्रॉपर देख सकते हैं, यहाँ पे आइस क्यूब तैर रहा है। लेकिन ऐसा क्या करें कि ये आइस क्यूब ना तैरने की बजाय पानी के अंदर डूब जाए? ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग? अब इसको डाल के देखो। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ये आइस क्यूब पानी में डूब गया, दिख रहा है आइस क्यूब डूब गया। चलिए अब इसके पीछे का साइंस समझते हैं, क्यों ये आइस क्यूब पानी में डूब गया। बैठो, इसके पीछे का साइंस क्या सभी जानिए? कमाल है डेंसिटी का। डेंसिटी वाटर होता है, दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में फ्लोट करेगा जब तक जब उसकी डेंसिटी पानी से कम होगी, पानी से कम। जैसे सपोज मैंने ए ऑब्जेक्ट लिया, अगर इसकी डेंसिटी 0.9 है तो ये वाटर फ्लोट करेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी से क्या है, कम। तो मैंने यहां पर क्या किया, पहले आइस क्यूब लिया था। आइस क्यूब की डेंसिटी नॉर्मली वाटर से लेस होती है, मीन्स लेस देन 1 होता है, इसलिए ये आइस क्यूब पानी में फ्लोट करता है। लेकिन मैंने आइस क्यूब के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ कर दिया। क्या कर दिया मैंने? मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्ट सॉल्यूशन को मैंने फ्रीज कर दिया, तो उससे जो आइस क्यूब बनेगा उसकी डेंसिटी 1 से ज्यादा हो जाएगी। जैसे डेंसिटी 1 से ज्यादा तो ये पानी में डूब जाए। तो ऐसे ही आप काम कर सकते हो, या तो आप अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ चेक कर सकते, जैसे मैंने पानी के साथ चेक किया, ऐसे ही आपको चेक करना है क्या होगा अगर आइस क्यूब को इथेनॉल में, या अल्कोहल भी कह सकते हो भाई, चेक करना है, लेना नहीं है चेक करने के बाद। चेक करना है क्या, अगर आप अल्कोहल में आइस क्यूब को डालते हो तो बताना आइस क्यूब के साथ क्या होगा, आइस क्यूब फ्लोट करेगा या डूब जाएगा? कमेंट में सभी अपने चीजों को मेंशन करिए, अपने एक्सपेरिमेंट को।